जिंदगी भर बुढ़ापे तक मेरी क्यूटी पाई बच्ची रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो है क्यू एन ए, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो वो क्वेश्चन पूछेगी मेरे से जोया और मैं आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, इट्स अरहान का नेक्स्ट कार कौन सा होगा? नेक्स्ट कार कौन सा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं न्यू कार लैम्बोर्गिनी ही बाय करूंगा, इसलिए मैं न्यू कार बाय नहीं करता। अब देखोगे तो मैं बस वेट कर रहा हूँ, न्यू कार जो बाय करूंगा वो रहेगी लैम्बोर्गिनी। तुम ही कराओगे, मैं बैठाऊंगा। तुझे ही बैठाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रेडिबल एहतेशाम उनका है, इनका क्वेश्चन है, व्हाट्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स इन योर लाइफ? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मेरी सोच, अगर मैं कुछ सोच लेता हूँ ना तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए। सही में मैंने जिंदगी में जो जो सोचा ना मैंने किया हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेगी तो मैं आगे भी करता रहूंगा, अभी तो बहुत सपने मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर टीजेड का, भाई आप अपने बाल में ऐसा क्या लगाते हो जो जो घने हैं, इतने कभी टूटते नहीं हैं, बताओ भाई। समीर टीजेड भाई मैं आपको बोलूंगा, मैं अपने हेयर में ना इतना कुछ यूज नहीं करता हूँ, लाइक मैं कुछ भी केमिकल जैसे प्रोडक्ट में यूज नहीं करता हूँ। मैं ऑयलिंग करता हूँ वीक में 2 बार, और जिम करता हूँ, पानी पीता हूँ, और ये सीड्स खाता हूँ, फ्लावर सीड, ये सब जो सीड्स होते हैं वो सब सीड्स खाता हूँ, उससे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। एंड बस यही है। और मैं वैक्स अगर मैं यूज़ करता भी हूँ, जैसे मैं शूट पे वैक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं उससे जैसे ही मैं शूट से आता हूँ मैं फट से मैं बाल को वॉश कर लेता हूँ शैम्पू से, और शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ जिसमें केमिकल नहीं हो, जो फ्री सल्फेट है सब, वही यूज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले दिन नाम पढ़ते जुल्मेनैन अंडरस्कोर ऑफिशियल जुल्मिनान सॉरी क्वेश्चन ना पढ़ूंगी। ओके भाई, आप जो पोजीशन पे अभी हो तो कैसे आए तुम ये पोजीशन पे, जरा बताओ कैसे मेहनत करना होगा भाई ये पोजीशन पे। तो गाइस ये पोजीशन पे मैं आया 2014 से, मैं जैसे अभी लोग बोलते हैं कि मैं कभी सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, मॉम प्रॉमिस, मैंने ये हर चीज़ सोचा था। सच में मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो हर एक चीज़ सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी बनाऊंगा, हर एक चीज़ मेरा गोल ना फिक्स्ड है, मैं बहुत फोकस्ड हूँ कि मुझे ये साल में ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, हर एक चीज़ मुझे ये नहीं कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो अल्लाह ने दे दिया है, तो बस एक ही मैं बहुत फोकस्ड हूँ मेरे चीज़ों पे, जो मुझे चाहिए। मैं बस ये बोलूँगा कि कोई भी हो जैसे आप लोग हो, बस ये ट्राई करो कि आप लोग ने अपना गोल लिख के रखो कि मुझे ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। सच बता रहा हूँ गाइज, आप उसमें सक्सेस होंगे ही, बिकॉज वो दिल से आप चालू हो जाओगे। तो बस यही है कि मैं कभी गिव अप नहीं किया, मैं उस चीज़ पे लगा रहा। अब जैसे बहुत लोग आगे मेरे से, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं उस चीज़ से मैं हटा नहीं कि मैं नहीं चाहे कि अगर वो लोग ये करें तो मैं काम करता हूँ उस पर भी कूद मारता हूँ, मैं भी वो करता हूँ, नहीं, मैं एक ही चीज़ पे हूँ जो मुझे अच्छा आता है, जिसमें बहुत बेस्ट हूँ मैं, जिसमें मुझे मज़ा आता है, तो मैं वही करता हूँ, सक्सेसफुल। गुड बॉय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम फिर से पढ़ो, अफान अंडरस्कोर हैक्सर, अरे ऐसा नाम मत लिखा करो। मेरे को पढ़ने में नहीं आता है। तेने क्वेश्चन किया है, थिंग्स यू प्रिपेयर्ड बिफोर शूट? शूट के पहले तो मैं मेनली मैं शूट सुबह करता हूँ। मैं सब तुम कुछ खाते हो? मैं तारा पूरा बताता हूँ, वेट। सबसे पहले मैं जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, फेस वॉश पूरा करके वजू करके नमाज पढ़ता हूँ, आप लोग अगर नॉन मुस्लिम हो तो प्रे किया करो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ फ्रूट्स खाता हूँ, लाइक ड्रैगन फ्रूट्स खा लिया या ऑरेंज खा लिया, और मैं कर्ड लेता हूँ 100 ग्राम या 200 ग्राम, उसमें अनार डालता हूँ, 5-6 बादाम डालता हूँ, उसको मिक्स करता हूँ और वो खाता हूँ, बस इतने से खा के, और कुछ जो कपड़े जो भी है वो रात को मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ कि हाँ ये सब मुझे पहनना है, फ़ोटोज़ मुझे कैसे लेना, हर एक चीज़ मैं सोच लेता हूँ, बस निकल जाता हूँ। नेक्स्ट एस तैयब है ना, एस तैयब A313 इन्हें पूछा है, तुम दूसरों के साथ वीडियो बनाते तो सना कुछ बोलते नहीं क्या? I mean, मैं इसका नाम सना नहीं है, जोया है, जोत्सना है, तो ये जवाब जोया देगी, पता क्यों नहीं बोलती तू? मैं बोलती हूँ, क्यों नहीं बोलूंगी?
हम मारूंगा ना, बोल क्यों नहीं बोलती है? मैं ऐसा बंदा हूँ ना, कोई मेरे पे ना हुकुम नहीं चला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मोड़े। तुम के साथ नेक्स्ट टाइम से वीडियो नहीं बना रही? नहीं। बस क्यों मना करेगी? मैं कुछ ऐसा काम नहीं करता हूँ मैं लड़कियों के साथ। मैं बहुत शाई फील करता हूँ, सही में बहुत बहुत शाई बंदा हूँ। ऐसा लोगों को लगता नहीं है लेकिन मैं सही में बहुत शाई हूँ लड़कियों के साथ। नो, दूसरा क्वेश्चन। Shine Girl 8778 इन्हें पूछा है, आप पाकिस्तानी हो और ये लड़की इंडियन, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, मैं भी इंडियन हूँ और ये भी इंडियन है, बट आई लव पाकिस्तान। मैं एक बार आना चाहूँगा क्योंकि मेरे काफ़ी फैंस हैं पाकिस्तान में, मुझे काफ़ी लव करती है। इवन जोया के तो बहुत ज़्यादा फैंस है पाकिस्तान में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबार अजूबा 786 का, अपने करियर की स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? मेरे करियर की स्टार्टिंग किया मैंने, मैं करता था प्रिंट शूट्स। चलेगा, मैं करता था प्रिंट शूट्स। और प्रिंट, सच बताओ गाइस, मैं प्रिंट शूट्स के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं किधर जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, बट मैंने ऐसे कुछ कांड किया था मेरी लाइफ में जिससे मेरे डैड मुझसे बात नहीं करते थे। बट करता था, थोड़ा बोलते ना बिगड़ा हुआ बच्चा तो वो था। तो लाइफ में मैंने बहुत कुछ गलतियाँ भी किया, अच्छाई भी किया, स्ट्रगल भी किया, बहुत कुछ किया। तो बस मैं क्या कहता था, संडे सैटरडे को ना कुछ भी इवेंट्स हो जाता था, लाइक शादियाँ होती थी, तो वहाँ पे केटरिंग का काम करता था। सही में केटरिंग का काम करता था। यस, मुझे 300 रुपये मिलते थे, 350 मिलता था, तो उस पैसे से मैं ना ट्रैवलिंग करता था। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मॉडल, एज अ प्रिंट शूट मॉडल। उसके बाद इंस्टा पे आया, बाकी कहानी मेरे जब मेरी लाइफ स्टोरी बताऊंगा तब बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हसीन जैन 99 का, और भाई आप फेस पे क्या लगाते हो? भाई मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाता हूँ, कुछ भी नहीं। बस ठीक है, इसकी बाहर आ जाएगी, रेड हो जाते हैं मेरे मुंह पे ना, बहुत खून है। ये गलती से इंडिया में पैदा हो गया है, इसको बहुत कोरिया होना चाहिए। बहुत खून है मेरे फेस पर, देख सकते हो। इसको कोरिया में होना चाहिए था, और मेरे को इससे शादी करनी चाहिए थी, फिर मैं कोरिया में रहती, मेरे को कोरिया जाना है। तो इससे भी शादी करने वाली मेरे से, तो मैं कोरिया में इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्किन पे कुछ नहीं लगाता हूँ। मैं जो बताऊंगा बस आप लोग फॉलो करोगे तो मेरी जैसी स्किन आपकी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन मेरी माँ पे गई, और मेरी माँ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत 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 ब्यूटीफुल है, उनकी स्किन ऑसम ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लग खून आ गया मेरे को। बहुत लाल है आपके, मेरा नॉर्मली क्या मैं पूछो। नेक्स्ट मेरा व्लॉग बहुत जल्द आएगा, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ यार। जैसा मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सिनेमैटिक में बनाऊँ, ऐसा बोल के नहीं, सिनेमैटिक में चाह रहा हूँ, ऐसा हो जाए तो मैं करूंगा, बनाऊंगा इंशाल्लाह, मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, है ना, है सब समझती है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है साबा अंसारी 1522, आप जोया जी से शादी कब करोगे? इंशाल्लाह 2014 में, 2024 में कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अज्जू ब्रो योर एग्जैक्ट हाइट? मेरी हाइट 5.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंटी CS096 का, आप अपने हेयर्स के साथ इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको हेयर फॉल नहीं होता है? नहीं, कैसे? अरे पूरा तो क्वेश्चन करने तो करो ना। नेशन वांट्स टू नो। ओके, मैं गाइस मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छी नींद लेता हूँ, और मैं खराब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ मेरे हेयर पे, मेरे फेस पे कभी भी कुछ नहीं। बच्चों वाली चीज़ें लगाते हैं। मैं सही में, मैं मेरा जो भांजा है ना, कौन सा शैम्पू उसका? जॉनसन बेबी शैम्पू। मैं वो नहीं है शायद, कोई दूसरा, लेकिन हाँ बच्चों वाला ही है। हाँ वो यूज़ कर लेता हूँ बालों पे मैं कभी कभी। भाई ये जो शैशे में आते हैं ना शैम्पू, वो आप यूज़ मत करो, बस ये बोलूँगा। बाकी आप यूज़ करो, और डेली शैम्पू मत करो,
मैं हेयर को पानी लगाया करूँ, जैसे मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं पानी वैसे भी लगता है मेरे बालों पे, तो पानी लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ज़मीन है और ये पेड़ है, तो पेड़ को पानी चाहिए, तो आप लोग डाला करो पानी। ओके, मैं भी ऐसा करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समी X08, प्रो टेल मी योर क्रश टीचर नेम। मेरी क्रश टीचर नेम, मेरी क्रश हो गया, मेरी बहुत बड़ी क्रश थी वो। कौन? क्रश थी, थे, थे, थो, था। थे मतलब लड़के? नहीं नहीं, लड़की मारूंगा इतना ना। क्यों बोले तो? लड़की, उनका नाम था नीपा मिस, मेरी बहुत बड़ी क्रश थी, बहुत ब्यूटीफुल थी वो। जब भी आती तो ना ऐसा लगता था गिटार बज रहे मेरे। तेरे में तो डमरू बजता है, डमरू। अरे गिटार के नहीं बजते? अरे गिटार तो नॉर्मल रहता है, डमरू बजते डन 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 डन। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं चाहिए था। क्या है पूछो? जो अभी मैंने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीशान 5L68, योर सक्सेस इज सीक्रेट है। देखो क्वेश्चन, योर सक्सेस इज सीक्रेट, आई थिंक योर सक्सेस सीक्रेट, राइट? तो मेरा सक्सेस सीक्रेट ये है कि मैं नेवर गिव अप, फोकस ऑन योर ड्रीम बस। एंड हाँ, माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यार करो, सबसे ज्यादा प्यार करो, सबसे ज्यादा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स जोया खान का, भाई कंफर्म वाली भाभी का नाम क्या है? कंफर्म वाली भाभी का नाम है सनी लियोनी, नहीं है वो, है जोया माय क्यूटी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफियान 2720 का, जोया मैडम की वॉइस जोया मैडम की वॉइस बच्चे जैसी क्यों है, वो कब बड़ी होगी? सच बताओ तो इसकी वॉइस जब मैं पहली बार सुना था ना, मैं भी कंफ्यूज था, ये सही में लड़की है, इसमें तो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही है, इसकी वॉइस इतनी बच्चों सी क्यों है? तो वीडियो कॉल में ना, वीडियो कॉल पर अभी एड़ा बना रही लग रहा है, तो वीडियो कॉल पे तो मैं कंफर्म हुआ, बट इसकी वॉइस ऐसी है, ये एक्टिंग नहीं करती, एक्टिंग करती होती तो आज ये बहुत बड़ी स्टार होती। तो तो इसकी वॉइस ऐसी, और मैं चाहूँगा जिंदगी भर बुढ़ापे तक मेरी क्यूटी पाई बच्ची रहे, बच्ची रहे, मैं नहीं चाहता मैं मैच्योर हूँ, ऐसी रहे, मैं हूँ मैच्योर, मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या बात कर रही है। डन। तो गाइस बहुत अच्छा लगा आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ के, और भी मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट लाता रहा, पार्ट सॉरी पार्ट लाता रहूंगा। तो अगर आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट करो, मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और गाइज आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस और हमारी कपल्स अच्छे लगते तो बस माशाल्लाह कमेंट किया करो और दुआ दिया करो, बस गाइज आप लोग दुआ दिया करो, और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगा। एंड बहुत जल्द मैं स्किन हेयर सीक्रेट लाऊंगा, इवन मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ वो भी बताऊंगा आप लोगों को, मेरी डेली लाइफस्टाइल क्या है वो भी बताऊंगा, मैं खाता क्या वो भी बताऊंगा। तो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो ये इसकी मेहंदी है गाइस, और उसे मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है। नाम कहाँ है तुम्हारा? अच्छा नाम किधर है, कैसा है? ढूंढो ढूंढो नाम किधर है। चलो गाइस, कैसे लग रहे हैं वो भी बताना, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।